पैनक्रियाटिक सुडोसिस जो है उसका ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में बहुत ही अच्छा है, इलाज है। आपको ये जानने की ज़रूरत है पहले कि जो आपका सुडोसिस्ट है वो स्मॉल साइज का है, मॉडरेट साइज का है या बहुत ही लार्ज साइज का है। अगर वो स्मॉल साइज का है तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, मॉडरेट साइज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन यदि आपका पैनक्रियाटिक सुडोसिस बहुत ही लार्ज साइज का है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कलेक्शन है और उस कलेक्शन के वजह से प्रेशर इफेक्ट आ रहा है और आपके स्टमक पे या पैनक्रियास पे लोड आ रहा है और वो बार बार एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का अटैक क्रिएट कर रहा है, उस सिचुएशन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, उस समय उस कलेक्शन को ड्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे हमें ड्रेनेज करा लेना चाहिए, अननेसेसरी अलग अलग ऑर्गन्स पे उसका प्रेशर आवे इस तरह का सिचुएशन क्रिएट नहीं देना चाहिए। और ये होता है उसी ग्रुप में जिन लोगों में बहुत ही बड़ा ह्यूज साइज़ का पैनक्रियाटिक सुडोसिस्ट रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको पैनक्रियाटिक सुडोसिस्ट है, आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए कि ये किस पोजीशन पे है, वो रिकवरी वाले फेज में है या वो इतना बड़ा हो गया है कि उसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो एक प्रेजेंट में डिसीजन लेना चाहिए, अगर बहुत बड़ा है तो उसको पहले ड्रेन कराइए, अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन से उसे पूरा क्योर किया जा सकता है। पैनक्रियाटिक सुडोसिस ड्रेन होने के बाद भी जो अंडरलाइन सिचुएशन है एक्यूट या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, उसको ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से आपकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक होगी। थैंक यू।